कोरोना के संकट में कोरोना योद्धाओं के सामने दोहरी चुनौती है। पहली, दूसरों को सुरक्षा और सेवाएं देना और दूसरी, खुद को स्वस्थ रखना। इसीलिए पीआरबी 112 के मुख्यालय में काम करने वाले लोगों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, ताकि स्वस्थ रहकर पूरे जोश के साथ इस कोरोना संकट के समय लोगों की मदद की जा सके। 112 के मुख्यालय में प्रवेश के साथ ही सैनिटाइजर की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पर सबसे खास ये है कि यहाँ की कैंटीन में स्वस्थ रहकर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की भी खास पहल की गई है। 112 की कैंटीन में आयुष मंत्रालय का काढ़ा सबसे अहम है, जो लगातार लोगों को पिलाया जाता है। कोरोना वॉरियर्स को लड़ाई में बहुत जरूरी है कि वो खुद भी स्वस्थ रहें, और कोरोना से लड़ाई में बहुत जरूरी है अपनी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बना के रखना। इसके लिए 112 मुख्यालय में जितने लोग काम करते हैं, इनको विटामिन सी, फल और सबसे इम्पॉर्टेंट आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए रेसिपी के अनुसार रोज काढ़ा दिया जा रहा है, जिससे कि सब लोग स्वस्थ रहें और इस लड़ाई में अपना योगदान कर सकें। 112 आपात सेवा की कैंटीन में प्रतिदिन 1200 से अधिक लोगों को काढ़ा पिलाने का प्रबंध किया गया है। कॉल सेंटर में काम कर रहे इन युवाओं को और पुलिस कर्मियों को दिन में 3 से 4 बार ये काढ़ा पिलाया जाता है, ताकि बिना रुके बिना थके लगातार देश सेवा में तत्पर रह सके। सिर्फ काढ़ा ही नहीं, विटामिन सी से भरपूर फलों का भी सेवन कराया जाता है, ताकि देश के सबसे बड़े सूबे के किसी भी कोने से फोन आए तो तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। हमारे परिवार वाले भी काफी परेशान थे, पर जब हम ऑफिस आए तो हमारे ऑफिस में काफी अच्छे इंतजाम किए गए थे सैनिटाइजेशन के लिए। हमारे यहाँ टेम्परेचर भी चेक किया जाता है, यहाँ पे हमें काफी फल भी दिए जाते हैं, विटामिन सी जिनमें होता है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। कोरोना के चलते अब कॉल सेंटर में सिर्फ सुरक्षा से जुड़े फोन नहीं आते, जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। फोन राशन खत्म होने का, दवा पहुँचाने का, प्रवासी मजदूरों की समस्या से जुड़े भी फोन आते हैं, और त्वरित सुविधा पहुँचाने की प्रतिबद्धता भी रहती है।